हेलो दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैं जो है मार्केट से घर आया और आने के बाद ही बारिश जो है शुरू हो गया। ये आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा और इतना ज़ोरदार बारिश हुआ, अभी एक से डेढ़ घंटा लगातार बारिश हो ही रही है और इसमें मेरा घर में जो है पानी घुस गया है, मतलब पुराना घर में। नया घर तो थोड़ा ऊँचा में किया हुआ है इसलिए उसमें टच नहीं कर पाए, लेकिन पुराना घर पूरा तीतर बितर कर दिया है। हालांकि ये मेरे लिए ख़राब ही है, लेकिन जो भी है ये प्राकृतिक का ही एक महत्व है जिसको हम लोग ठुकरा नहीं सकते हैं और किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे हुआ क्या नहीं। देखिए, बारिश जो है शुरू हो गई है और लगभग आधे घंटे के ऊपर हो गया, अभी तक हो ही रही है। चलिए दिखा दें क्या हाल हुआ है। हालांकि हम तो सो गए थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसे आया वैसे मैं तुरंत उठ के देखिए क्या स्थिति हो गया है। ये लाइफ में दूसरी बार हुआ, घर बनने के बाद तो पहली बार हुआ है शायद, नया घर बनने के बाद। ऐसे पहले पुराना घर यहीं पर इसी में रहते थे, तब एक बार हम देखे थे, तब हम लोग बहुत छोटे थे। देखिए किस तरह से पानी जम गया है। पानी ही इतना तेज हुआ था और मेरा नाला जो है शायद यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नाला है लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही है। इसका मतलब पानी का जो निकासी का स्रोत है वो बहुत कम हो गया है, या फिर हो ही नहीं रही है। देखिए कितना तेज़ी से, देखिए कितना बारिश जो है छत का पानी नीचे आ रहा है। देखिए क्या अवस्था हो गया है। किचन में भी पानी घुस गया, हालांकि किचन में तो घुसेगा ही, स्टार्टिंग तो यही से शुरू होता है, यही से स्टार्ट हुआ होगा। अच्छा हो ये सब चीज़ ऊपर में है, नीचे जो जो सामान था वो तो पूरा एकदम तैर रहा है। देखिए ये नया घर थोड़ा ऊंचा में किया हुआ है इसलिए यहाँ पर पानी जो है टच नहीं कर पाया। इसमें नहीं हुआ, शायद इसमें होगा भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा रोड से ऊपर ही है। देखिए उधर का जो पानी है, इधर अंडरग्राउंड नाली है तो फिर यहाँ पर आके मिलता है, यहाँ से एकदम पूरा बाहर चला जाता है। अब देखना पड़ेगा तो बाहर आप लोग कैसा लगा, ये तो हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये, और हमको तो स्पेशली अच्छा बिल्कुल नहीं लगा और मेरे घर वाला को भी। चलिए अभी ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ब्लॉग को अभी स्टॉप करेंगे क्योंकि पानी को निकालना है, नाला जो जाम हो गया उसको साफ भी करवाना है और कल राजमिस्त्री को बुला के देखते हैं क्या किया जाए क्या नहीं, क्यों ये दिक्कत होता है इसका भी एक निदान होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।